दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बताएंगे कि जो भी रेलवे डिपार्टमेंट में जो नन आईटीआई पोस्ट है, मींस नन आईटीआई मींस आप 12th पास हैं विथ मैथ और साइंस से, तो आप कुछ पोस्ट है उसमें एलिजिबल है, तो उस पोस्ट को के लिए आप कैसे अप्लाई करें, किस आरआरबी में जाएं ताकि आपको 100% चांसेस रहेगी आप जॉब पाने के लिए। तो आप मैं इस वीडियो में आप बने रहें, आपको शुरू से अंत तक बताऊंगा कि आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि यहां पे 70 और 71 नंबर जो दो पोस्ट है वो नन आईटीआई बंदे भी, नन आईटीआई स्टूडेंट भी एलिजिबल है। ये जो मैथ फिजिक्स और मैथ के साथ 10+2 पास आउट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग की जो भी 10+2 पास आउट हैं वो उनके लिए काफ़ी कम वैकेंसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है आईटीआई के लिए। तो आपको जॉब पाना है तो आप कौन सा आरआरबी को चूज करें ताकि जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लें और आप रेलवे में जॉब पा लें। तो इस वीडियो को में बने रहिए आप हमें, और आप भी हमारे चैनल पांडे जी गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और मैं कुछ वीडियो जैसे कि रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, तो कुछ वीडियो मैं अपने पांडे गुरु चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि आपको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन साथ साथ हो, आप कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 70 पोस्ट में एक जो पोस्ट का नाम है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, तो ये पोस्ट है। वो 71 में जो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन, मीन्स दोनों का जो ग्रेड है वो सेम है, बट एक सिग्नल है और एक टेली कम्युनिकेशन है। तो आपको सबसे पहले चूज करना है कि 70 अप्लाई करें या 71 अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आईटीआई के साथ देख रहे हैं यहाँ पे कि और लिखा हुआ है, और के साथ 10+2 इज फिजिक्स, मीन्स 10+2 जो फिजिक्स के साथ और मैथ के साथ पास आउट हैं तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सुनहरा अवसर है नन आईटीआई बंदे के लिए, और आप जो आपके पास आईटीआई और आईएससी दोनों में नहीं है तो आप सिर्फ ग्रुप डी में जा सकते हैं। तो जो बंदे के साथ पास आईटीआई है और दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी और एलपी या टेक्नीशियन, या जो बंदे आईएससी पास हैं वो भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाउन में आते हैं जहाँ से वैकेंसी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो रेलवे है वो है अहमदाबाद रेलवे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप आईएससी पास हैं मैथ और फिजिक्स और मैथ से, तो आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये पोस्ट में आईटीआई वाले बंदे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जिनके पास आईटीआई है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल हैं और बहुत सारे पोस्ट में को बहुत सारे वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले आपको जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो भी बंदे ट्रेवल कर सकते हैं, आईसी पास बंदे ट्रेवल कर सकते हैं, वो अहमदाबाद को ही अप्लाई करें, क्योंकि अहमदाबाद में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा वैकेंसी दूसरे पोस्ट में कम है, बट एज 70 और 71 में कितना है 29, टोटल 46 और 7 वैकेंसी है। तो आप जो जैसे जो साउथ से हैं या नॉर्थ से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट जो ट्रेवल कर सकते हैं रेलवे में या एससी एसटी कोटा में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप एग्ज़ाम दे के जाइए तो आपको ज़िंदगी भर के लिए सुख मिल जाएगी, अधिक एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं अजमेर में, जैसे जो दिल्ली राजस्थान तरफ से होते हैं वो अजमेर रेलवे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अजमेर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आईटीआई वाले बंदे अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे 70 और 71 में थोड़ी सी सीट कम है, बट जो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इलाहाबाद।
इलाहाबाद में हम लोग देखते हैं कि टोटल जो सीट है वो 71 में टोटल सीट है, 51 है, 58 है। तो यहाँ पे इलाहाबाद में क्राउड कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद में जो भी अप्लाई होंगे वो यूपी, बिहार, झारखंड, और यूपी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेट है, तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। तो आप इस रेलवे बोर्ड से बचें, क्योंकि यूपी को अप्लाई ना करें। साउथ में आप अच्छी थोड़ा होती है, साउथ में चांसेस ज़्यादा होती है, तो बेंगलोर, चेन्नई और सिकंदराबाद रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले साउथ रेलवे में बेंगलोर में दिखाते हैं कि आपको टोटल वैकेंसी कितना है। तो बेंगलोर में थोड़ी वैकेंसी कम है, 20-26 है, बट आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 20 है और सॉरी 96 और 20 है, तो बेंगलोर में कुछ ज़्यादा है। तो साउथ इंडिया में अप्लाई करने से चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इधर कटअप थोड़ी कम जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया रेलवे प्रिपरेशन की संख्या काफ़ी कम होती है। जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा, ये चार स्टेट है जिसमें कुछ ज़्यादा संख्या में लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। तो बेंगलोर रेलवे में मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे सबसे पहले मैं बताया था बेंगलोर, बेंगलोर रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अहमदाबाद, ये अहमदाबाद अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल रेलवे में देखते हैं कि कितना सीट है। भोपाल रेलवे में भी कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्राउड ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भोपाल रेलवे में भी थोड़ी वैकेंसी है, 46 है। तो भोपाल रेलवे में जो लोकल बंदे हैं वही अप्लाई करें, दूर से बनने वाले अप्लाई करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा। भुवनेश्वर रेलवे में भी आप लोकल बंदे हैं तब भी अप्लाई करें, आप ट्रेवल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ी सी 71 में सीट ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 70 सीट में ज़्यादा है, तो आप एक अच्छे दिमाग के बंदे हैं, आप अच्छे अच्छे डेटा को एनालाइज करते हैं, तो हमेशा आप कम वैकेंसी वाले पोस्ट में ही अप्लाई करें। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा वैकेंसी जिस पोस्ट में होती है उसी पोस्ट पे बंदे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि जब हम लोग रेशियो चेक करते हैं तो पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लीकेशन कुछ ज़्यादा जाया हुआ होता है, बट जिसमें पोस्ट कम होती है उसमें कम गया हुआ होता है। तो इसमें भुवनेश्वर में एक ही पोस्ट है, तो इसमें चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसमें चांस ले सकते हैं। बिलासपुर में हम लोग देखते हैं कि कितना पोस्ट है। तो आप एक ट्रिक्स को बनाए रखिए, देखिए बिलासपुर में भी 70 में यहाँ पे भी अच्छा खासा पोस्ट है, 59 और 40 पोस्ट है, तो बिलासपुर में भी आप लोकल बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में आप अप्लाई नहीं कीजिए, अभी लोकल बंदे हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से बंदे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और देख रहे हैं चंडीगढ़ में भी सीट कम है, क्योंकि चंडीगढ़ में राजस्थान, हरियाणा का क्राउड बहुत ज़्यादा, पंजाब का क्राउड ऑलरेडी रहता है, तो वहाँ पे भी कंपटीशन रहता है। चेन्नई रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे है, और यहाँ चेन्नई रेलवे में हम लोग देखते हैं 70 और 71 में 2734 है, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो 134 सीट है, तो आप चेन्नई रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन रेलवे में आपको सजेस्ट करूँगा, और एक और रेलवे में लास्ट में बताता हूँ कि इसमें आपको अप्लाई करना है। गोरखपुर में भी यूपी का सेल्फ क्राउड होता है, तो यहाँ पे भी अप्लाई न करें, जितना भी सीट क्यों ना हो, लोकल बंदे ही है जो ट्रेवल करना नहीं चाहते एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो गोरखपुर अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी में थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तरफ है, तो गुवाहाटी में 70 का तो है बट 71 का नहीं है, बट पोस्ट भी कम है। जम्मू श्रीनगर तो आप सोचिए भी मत, और यहाँ पे सीट भी कम है। कोलकाता में भी क्राउड अच्छा खासा रहता है, बिहार, झारखंड के कुछ ज़्यादा क्राउड यहाँ पे होते हैं, और कोलकाता में भी खुद के बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी पोस्ट ज़्यादा है। तो आप लोकल हैं तो आप कोलकाता ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चांसेस ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। मालडा में भी, बंगाल में आता है, मालडा में भी आप
देख सकते हैं कि कितना पोस्ट है, 71 70 का पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पे 20 32 के अराउंड है। तो लोकल बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई तो आप जाइए ही नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मुजफ्फरपुर, उसके बाद बिहार, पटना, ये सारे रेलवे जितना भी है वो लोकल बंदे ही अप्लाई कर रहे हैं। बाहर जो जाना नहीं चाहते हैं वो वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश न करें। उसके बाद है थर्ड सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आपको बताता हूँ कि साउथ इंडिया के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि इधर के क्राउड, कुछ उड़ीसा के क्राउड यहाँ पे उठ के आते हैं, और देखने की यहाँ पे सीट भी कम है। तो आप सिकंदराबाद को भी लास्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं जो लोकल है। तो आपको ये सारे रेलवे में बताया, तो ये आपको तीन में अप्लाई कर सकते हैं, या अहमदाबाद या चेन्नई या बेंगलोर। और आप जो अभी टेक्नीशियन 70 या 71, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक अच्छा इंटेलिजेंट हैं तो आप जिसमें कम पोस्ट हो उसी में अप्लाई करके देखें, क्योंकि उसमें कंपटीशन कुछ थोड़ी कम रहेगी। तो दोस्तों, एक कुछ मेरा बेसिक आइडिया था आपको हेल्प करने का। तो आप अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी ये अप्लाई जरूर करें, और हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन पे प्रेस जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।